हेलो, वेलकम टू आसियान। तो अभी हम लोग वेगिस में हैं एंड प्लान है कि हम लोग यहाँ से ज़ायन नेशनल पार्क जाने वाले हैं। फिलहाल बज चुके हैं 6:24। से ज़ायन नेशनल पार्क इज अबाउट 2.5 आवर्स। आज काफ़ी जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हम लोगों का प्लान है कि हम लोग 7 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो अभी बज गए हैं 7:12, जो कि यूटा में हो चुके हैं 8:12, और सुरभि और मैं हम लोग निकल चुके हैं ज़ायन नेशनल पार्क के लिए। बाय बाय लास वेगस। बड़े फनी चीज हो गई थी कि हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ के और माउंटेन टाइम के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है। वो सुरभि को कल रात को 11:30 बजे याद आया, वो समझ में आया कि हम लोग अगर यहाँ से 7 बजे निकले तो भी वो यूटा में ऑलरेडी 8 बज चुके रहेंगे, और हमारी शटल टिकट्स वो बुक्ड हैं 11 से 12 के बीच में। सो वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। ज़ायन नेशनल पार्क इज 163 miles, सो लेट्स होप कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। एंड 2 more hours टू गो। फिलहाल सिर्फ 2 मिनट का टाइम गेन कर सके हम लोग। 10:50 का 10:48 हुआ। सो दिस इज एरिज़ोना। हम लोगों ने नेवाडा बॉर्डर क्रॉस करके अभी एरिज़ोना एंटर किया। आई थिंक अगर आप लोगों के पास में सारे इक्विपमेंट नहीं है तो आप लोग हमें यहाँ पर आकर रेंट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट ज़ायन नेशनल पार्क का गेट है और उसके एग्जैक्टली सामने इस तरफ रेंटल की दुकान है। अब ये हम लोग ऑलमोस्ट एंटर करने जा रहे हैं ज़ायन नेशनल पार्क। तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो? अभी पता चलेगा। तो हम लोग की शटल टिकट भी स्कैन हो चुकी है। हम लोगों को जो रेंजर्स थे उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि आज काफ़ी गर्मी होने वाली है थोड़ी देर बाद, तो हम बेटर है कि हम लोग कोई मॉडरेट हाइक करें। सो अभी हम लोग हैं यहाँ पे विजिटर सेंटर एंड पार्किंग। कुछ शटल स्टॉप्स क्लोज्ड हैं, बट हम लोग अभी इसके बाद में जाने वाले शटल स्टॉप 6 द ग्रॉटो, और वहाँ से हम लोग हाइक करके जाएंगे अपर एमरल्ड पूल्स ट्रेल, देन वील कम बैक टू ज़ायन लॉज एंड देन वहाँ से वापस टाउन की तरफ। तो ये वाली शटल है, आई थिंक एक बार में ये शटल में वो लोग सिर्फ 33 लोगों को लेकर जाते हैं, तो सामने वाली में मेरे ख्याल से 14 एंड पीछे वाली में 19 लोग बैठ सकते हैं नी ऑक्यूपेंसी है। एंड हम लोगों ने ये शटल टिकट मेरे ख्याल से 14 दिन पहले से करके रखी थी। वो लोग बैचेस में शटल टिकट ओपन कर रहे हैं। आप तो बुक द शटल टिकट वेल इन एडवांस। Starts up the hillside for a little ways and then it goes long and around back into that canyon.
ये एक छोटा सा रेस्ट पॉज, बेहतरीन दृश्य। फिर भी व्यू के बारे में क्या कहना है। अच्छा है। और गर्मी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस हो गया है, ज्यादा हो गया। अभी तक तुम्हारी हिम्मत कैसी है? अभी तक तो है, हो जाएगा पूरा, करना ही पड़ेगा यहाँ रुक कर। थके हुए बच्चे लोग, क्योंकि क्या हुआ, वेगस में बहुत ज़्यादा सो लिया, तो मेरे मसल्स इतने ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं अभी कि चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। So, ये है कुछ मिडिल एमरल्ड पूल, पता नहीं ये क्यों इतना फेमस है। यहाँ पे लिटरली कुछ भी नहीं है, पीछे थोड़े बहुत ये पहाड़ है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है बस। फिर भी रेटिंग 5 लोअर एमरल्ड पूल, सॉरी ये वाला लोअर एमरल्ड पूल है। काफी ड्रिपिंग हो रही है ऊपर से, काफी ठंडी भी है। हम लोगों की हाइक ऑलमोस्ट ख़त्म होने आई है, काफ़ी छोटी हाइक थी बट इस गर्मी के कारण काफ़ी थकान हो चुकी है ऑलरेडी। हाइक करते हुए अपर एमरल्ड पूल गए, वहाँ से हम लोग लोअर गए। स्टार्टिंग पॉइंट था द ग्रॉटो, स्टॉप नंबर 6। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं स्टॉप नंबर 5 पे, ज़ायन लॉज। हम लोग ने हाइक स्टार्ट तो की थी अपर एमरल्ड पूल की तरफ, मिडिल पूल देख कर हम लोगों को इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उसके बाद में अपर जाने की कुछ ज़्यादा इच्छा ही नहीं हुई। और ये जो नीचे पानी बह रहा है ये एक्चुअली वर्जिन रिवर है। ज़ायन नेशनल पार्क में एक और बहुत फेमस हाइक है द नैरोज, वहाँ पे हम लोग कल जाने वाले हैं। और द नैरोज की जो हाइक है वो एक्चुअली वर्जिन रिवर पर है, तो आप लोग रिवर में ही हाइक करते हो। उसके लिए हम लोग ने स्पेशल शूज़ भी ख़रीदे हैं जो कि वाटर शूज़ या वेट शूज़ बोले जाते हैं। कल की शटल सुबह 9 बजे निकलेगी और 45 मिनट्स का शटल ड्यूरेशन है, जहाँ जिससे हम लोग टेम्पल ऑफ सना बाबा नाम की एक जगह है जो कि शटल का लास्ट स्टॉप है, वहाँ जाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, एंड आपको ये कैसा लगा वो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे बताओ। This one goes back to the visitor center, right? Yeah, I'm gonna double check for some seats. So, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हमारी होटल की तरफ। ये वाला ज़ायन नेशनल पार्क का गेट है और हम लोग का होटल ये रहा सामने, नाम है एबल माउंटेन। और ज़ायन नेशनल पार्क के एंट्रेंस तक जाने के लिए ये होटल से आपका वॉक इज लेस देन 2 मिनट्स। देखते हैं हम लोग जाके चेक इन करते हैं। हम लोगों ने चेक इन नहीं किया था क्योंकि चेक इन 3 बजे स्टार्ट होता है और हम लोग यहाँ पे 11 बजे पहुँच गए थे, तो उन लोगों ने हमको
पार्किंग पास दे दिया, टेम्प्रेरी पार्किंग पास दे दिया, और वो पार्किंग पास लेकर हम लोग ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी।